हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपके केस में भी इस तरह का एरर आता होगा। द फीचर यू आर ट्राइंग टू यूज इज ऑन ए नेटवर्क रिसोर्सेज डेट इज अनअवेलेबल। इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गए, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले एरर दिखाता हूँ। यदि आप लोगों के केस में भी इस तरह का एरर आता है, चाहे कोई भी एरर आता होगा, लेकिन ये लिखा होना चाहिए द फीचर यू आर ट्राइंग टू यूज इन ऑन ए नेटवर्क रिसोर्सेस। इस तरह का एरर आता है, चाहे वो 64 बिट का एरर आता है या 32 बिट का एरर आता है, कोई भी एरर आता है इस टाइप का, तो इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना सर्विसेज। सर्विसेज टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है विंडो इंस्टॉलर। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा विंडो इंस्टॉलर, इस तरह से आपके केस में भी दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में यहाँ पे स्टॉप होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यानी तो आपके केस में यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके केस में पहले से स्टार्ट होगा तो एक बार आपको क्या करना है, इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिएगा। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप ट्राई कीजिएगा आपके केस में जिस भी एप्लीकेशन के अंदर ये एरर आ रहा था, ये एरर सॉल्व हो गया होगा। मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाएगा, उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करते हैं, इस तरह से लिंक पेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, इस तरह से ये लिंक ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड टूलबार शूटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने इसको सेव किया, वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है, आपके केस में जिस भी एप्लीकेशन का ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल कर देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी इसमें से आप क्या चीज इंस्टॉल कर रहे हैं जो आपके केस में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। जो भी चीज आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी तो ओपन करने के टाइम पे, यानी तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी तो अनइंस्टॉल के टाइम पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो चीज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई टू अनइंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में इंस्टॉलिंग का इशू आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस भी एप्लीकेशन के अंदर यह प्रॉब्लम आ रहा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्राई टू अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके आपको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं आपके केस में जो यह प्रॉब्लम आ रहा था यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है रेज एडिट। रेज एडिट टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्री एडिटर, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपके केस में भी ये क्लियर देखे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने से पहले सबसे पहले आप इसका बैकअप बना के रख लीजिएगा ताकि बाद में कुछ गलत भी होता है तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट रेंज के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। इसके
उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसी तरह जब कभी भी आपको इसको रिस्टोर करना होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इम्पोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करते हैं ये रिस्टोर हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लोकल मशीन, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लासेस, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इंस्टॉलर। आप देख रहे हैं आपके केस में भी इस तरह से इंस्टॉलर को आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपके केस में यहाँ पे जो भी लिस्ट दिखता है यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, एक एक करके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा प्रोडक्ट नेम के आगे यहाँ पे आपको वो चीज दिख जाएगा। तो आपको वो फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक एक के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा फाइल क्रिएट कर रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उस फाइल को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को जरूर रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जिस भी एप्लीकेशन का ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।